चार एलिमेंट्स का आउटशेयर नहीं कर सकते। क्या पर्सनल स्पेस के लिए पर्सनल घर? हमें इसी की जरूरत थी। चलो बनाते हैं। वाह, वो इंस्पायर लगते हैं। हर टेंट उसके मालिक के एलिमेंट्स की तरह होना चाहिए। किसका घर सबसे अच्छा होगा, चलो देखते हैं। अर्थ को प्लांट्स की जरूरत है, इसलिए वो गार्डनिंग कर रही है। लेकिन आज बारिश नहीं आनी थी। क्या डांस काम आएगा? क्या वाटर को दुख भरी कहानी सुननी पड़ेगी? वो बहुत इमोशनल है और वो आसानी से रो सकता है। अर्थ को इसी की जरूरत है। काफी रो लिया, अब तुम चुप हो सकते हो। मेरा टेंट प्यारे फ्लावर से भरा है। फायर अपने टेंट को गर्म और आरामदायक बना रही है। लकड़ियों को बाहर लगाना आम बात है। सोचते रहो। ओह नहीं, रोको इसे। सिर्फ विंड ही इसे रोक सकती है। उसे इसको रोकना अच्छे से आता है। अब बाहर से ये अच्छा लग रहा है। विंड अपने टेंट को सजाने का सोच रहा है। इसके दोस्त सनी ने इसे काफी इंस्पायर किया है। लेकिन क्लाउड्स उसके बीच में आ रहे हैं। ये काम आएगा। ये बढ़िया है। अब सनी विजिबल है और टेंट बढ़िया दिख रहा है। शुक्रिया सनी और शुक्रिया विंड। भले ही वो कभी कभी झगड़ते हो, लेकिन फिर भी वो अच्छे दोस्त हैं। विंड का टेंट बढ़िया लग रहा है। अब सजाने की बारी वाटर की है। उसे भी प्लांट्स पसंद है। सीवीड उसे घर जैसा महसूस कराएंगे। फायर को ठंड लग रही है, उसे एक गर्म फ्लोर चाहिए। गरम कोल्स बढ़िया है। ओह, यहाँ काफी गर्मी हो गई है। आप इस फ्लोर पर एक फ्राई कर सकते हैं। ये बहुत काम का है। अर्थ ने पूरा फ्लोर गंदा कर दिया। वो उसे साफ करना नहीं चाहती। अब ये भी उसकी सजावट का एक हिस्सा है। बस इसमें सीड्स और पानी डालो और जल्दी ही इसमें घास उग जाएगी। ये गोल्फ खेलने के लिए अच्छा लॉन है। गोल्फ कहीं और खेलो। गोल्फ क्लब इनफिटेबल फ्लावर में बदल गई। वाटर ने अपने टेंट के पास बीच बनाया है। ये विंड को भी पसंद है। उसे भी कैंची चाहिए। ओ नहीं, छीकना मत। बढ़िया, अब सारी सैंड गायब हो गई। विंड बहुत ही शरारती है, उसने सब बर्बाद कर दिया। वो कहाँ गया? विंड के टेंट का फ्लोर उसके मतलब का नहीं है। हम इसे बलून से बदल सकते हैं। इसने कर दिया, पर बलून उड़ गए। ये प्लान ठीक नहीं था। पर एक इन्फ्लेटेबल मैट्रिक्स काम आएगी। अब ऐसा लग रहा है ये उड़ रहा है। अब ये आराम से सो सकता है। फायर के टेंट में थोड़ी लाइटिंग की जरूरत है। स्ट्रिंग लाइट्स कमाल की हैं, पर वो बग्स को भी अच्छी लगती हैं। अच्छी बात है विंड यहाँ है और उसने उसे भगा दिया। बस विंडो को बंद रखो और बग्स अंदर नहीं आ पाएंगी। ये आसान है। अब फायर आराम कर सकती है और विंड अब टेंट बना सकता है। अर्थ अपने टेंट में रखने के लिए सामान ढूंढ रही है। पुरानी फोटो एल्बम। इन अच्छी यादों से बढ़िया सजावट होगी। उसने सारे फोटोज को ब्रांचेस पर लटका दिया है। ठीक है, बस करो। वाटर ने अर्थ की मेहनत पर पानी फेर दिया और अब वो हंस रहा है। कैसा लगा वाटर? विंड कुछ ढूंढ रहा है। फ्रिज में क्या है? लाइट? बुरा नहीं है, लेकिन उसे अंधेरे में खाना कैसे मिलेगा? क्या पता वो इससे कुछ क्रिएटिव करे, लेकिन उसे अंधेरे में खाना कैसे मिलेगा? उसने इस नॉर्मल लाइट को सुंदर बलून में बदल दिया। ये बढ़िया लग रहा है। अब इसकी टेंट में कुछ बढ़िया लाइटिंग है। वाटर कैटलॉग में फर्नीचर देख रहा है।
पर वो इन्हें नहीं खरीद सकता या कुछ भी नहीं खरीद सकता। उसे पैसे कहाँ से मिलेंगे? उसे ये सब खुद करना होगा। मॉडलिंग के ऐसे बने सी स्टार्स और अंधेरे में चमकने वाले पेंट। परफेक्ट। विंड अपने टेंट से खुश है तो वो आराम कर सकता है या नहीं। वो खाना खाना भूल गया है। ये लंच का समय है। इसके दोस्त इसकी मदद करेंगे। फायर ने वॉल्केनो पर मार्शमेलो रोस्ट किए। वाटर ने उसे ड्रिंक दिया। ताज़ा बारिश का पानी, ये लो। और अर्थ की तरफ से एक मिंट और एक शानदार मील तैयार है। दोस्ती और टेंट्स कमाल है। चलो सारे टेंट्स देखते हैं और उन्हें स्कोर्स देते हैं। लेकिन रुको, अर्थ कहाँ चली गई? उसकी पिक्चर हर जगह पड़ी है। यहाँ क्या हुआ? क्या एक नोट है? अर्थ किडनैप हो गई। ओ नहीं, आप देखना चाहते हैं वो कहाँ गई? तो हमें कमेंट्स में बताएं। मिस्टर डिलन प्रिंसिपल है। ये पूरा दिन हर चीज गिराते रहते हैं। ये अजीब बॉक्स कैसा है? इतनी सारी वार्निंग्स, ये ठीक नहीं है। उसकी वजह से चार एलिमेंट्स कॉलेज में आ गए। कॉलेज का मोटो है सभी पढ़ाई करें। क्लास में जल्दी काम करने की वजह से स्टूडेंट्स की सुपर पावर्स बाहर आ सकती है। आग बुझाने में पानी काम आएगा। लेकिन गीले टीचर को कौन सुखाएगा? यहाँ कोई टॉवल एलिमेंट नहीं है। पानी के बदले पानी। मिस्टर डिलन तैयार है। एयर सैक्सोफोन को बजाने में माहिर है। स्टूडेंट्स को ध्यान रखना होगा कि वो नाचने न लगे। पर आज किसी ने एयर की परफॉर्मेंस खराब कर दी है। इस सैक्सोफोन से बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। एयर को गुस्सा आ रहा है। रुको, क्या हुआ? तुम्हें गाना पसंद नहीं आया? कितनी बढ़िया परफॉर्मेंस थी। वाटर का कोई चाहने वाला है। उसने आज उसे एक खूबसूरत बुके दिया है। ये बहुत बढ़िया है। उसे अपने दोस्तों को बताने का सब्र नहीं हो रहा है। वाटर ने बुके पर ध्यान नहीं दिया। उसे थोड़ा ध्यान से देखना चाहिए क्योंकि बुके उसे ही देख रहा है। बुके की आंखें हैं। ये अर्थ और इसका खास फर्टिलाइजर है। ये उसकी प्राइवेसी के खिलाफ है। वो ये नहीं सह सकती। अर्थ का प्लान फेल हो गया। गुड बाय गंदे लड़के, वाटर तुम पर बारिश नहीं करेगा। एयर सिर्फ हैंडसम ही नहीं, ताकतवर भी है। ज्यादा ताकतवर कौन है, अर्थ या एयर? चलो उनकी सुपर पावर से पता लगाते हैं। हालांकि ये सही नहीं है। अर्थ एयर को फंसाने के लिए अपने रूट्स का इस्तेमाल कर रहा है और दिख रहा है कि कौन ज्यादा ताकतवर है। एयर थोड़ा और वर्कआउट कर लो। अर्थ अपने मजबूत मसल्स और रूट्स की वजह से जीत गया। लड़कियां लड़कों से जितना हो सके उतना दूर रहना चाहती है। फायर कहाँ छिपी है? एयर की ढूंढने में मदद करें। हमें कमेंट्स में बताएं वो अपना सच्चा प्यार कहाँ ढूंढ सकता है। तब तक ये अपने थर्मल ग्लास का इस्तेमाल करेगा। उसका गरम दिल लॉकर के पीछे नहीं छिप सकता। लेकिन लंच की स्मेल उसका ध्यान भटका सकती है। खुद को रोक पाना मुश्किल है। अगर हम इसे गर्म कर सकते हैं, ये लॉकर बहुत गर्म है। ये प्यार बहुत गर्म है। खाना ही ठीक है। लड़कियों का रूम बहुत गंदा है। सफाई का समय हो गया है। इस माहौल में होमवर्क करना मुश्किल है। वाटर की पावर से थोड़ी आसानी होगी। पर फायर कोई काम नहीं कर रही है। ये ठीक नहीं है। सभी को फायर वाली इमोजी भेजना बंद करना होगा। वाटर को मदद की जरूरत है। आग की नहीं। ये बहुत ज्यादा गर्म है।
अब राग को कोई साफ करेगा। तुम इसे मदद कहती हो? अर्थ वाटर के सपने देखना बंद नहीं कर पा रही। वो उसे अपने मन की बात बताना चाहता है। शायद इसके बाद वो किस करे। एयर समझ सकता है, वो फायर को उड़ा देगा ताकि वाटर अकेली रह सके। किस करना बुरा हो सकता है, ये खतरनाक है। अर्थ को प्यार और शांति चाहिए, खतरनाक रिश्ता नहीं। एलिमेंट स्टूडेंट्स को भी दूसरों की तरह टेस्ट देना होगा। जब लड़कियां मेहनत कर रही थी तब लड़के चीटिंग करने की सोच रहे थे। अर्थ ने पूरी चीट चीट बना ली है, उसने सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए हैं। अब वो आराम कर सकता है। मिस्टर डिलन को ये पसंद नहीं आया। तुम चीटिंग कर रहे हो और तुम सो रहे हो। गुड मॉर्निंग अर्थ, चलो उठो। अपने बुरे ग्रेड्स देखो। वाटर अपने बाल सीधे नहीं कर सकती क्योंकि ये गीले और कर्ली है। दोस्त इसीलिए ही होते हैं। सुपर पावर्स वाले दोस्त होना बहुत अच्छा है। फायर के हाथ फ्लैट आयरन से भी अच्छे हैं। शुक्रिया। पर अगली बार इसको प्लग में जरूर लगाना। अर्थ लंच में वेजी सीड खा रहा है। बस थोड़ा सा जादू और सीड्स ही रहेंगे। उसे थोड़ी मेहनत करनी होगी। क्या जी लंच नहीं खाएगा? वाटर अपने दोस्त को इस हालात में नहीं छोड़ेगी। उसकी एक बूंद जादू का काम करेगी। फायर आपको हमेशा गर्म कॉफी दे सकती है। एयर के पास काफी पैसे हैं। उसके पास हर चीज के लिए पैसे हैं। जब एयर सोता है तब वो तेज खराटे और विंड स्टॉर्म्स निकालता है। अर्थ ये नहीं सह सकता। इसको उल्टा सुलाने से काम बन सकता है। क्या ये इतनी तेज खराटे निकाल रहा है कि खुद हवा में उड़ रहा है? इससे कुछ नहीं हुआ तो अर्थ ने थोड़े पेपर नोज प्लग्स बना दिए। एयर लेटर की मदद से अपनी फीलिंग बताने वाला है। लड़कियों को ऐसे तरीके पसंद होते हैं। वो इसे मना नहीं करेंगी। ये इसकी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है। उसे इसकी पावर से संभल कर रहना होगा। विंड ने उसकी फ्लेम को और भड़का दिया। हमें प्रोटेक्शन इस्तेमाल करनी होगी। ये बढ़िया है। अब फायर और एयर एक साथ है। अर्थ ने भी हिम्मत कर ली है वाटर को अपनी फीलिंग्स बताने के लिए। ये बहुत इमोशनल है। मैं रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। आज हमने बारिश की उम्मीद नहीं की थी। अर्थ को छाता लाना चाहिए था। ये कॉलेज पूल में बदल रहा है। क्लीनिंग लेडी को ये सब साफ करना होगा। फ्यूचर में इतना मत रोना प्लीज। मिस्टर डिलन के एलिमेंट शांत है। उनका यहाँ का काम हो गया है। उसकी रूममेट जेनी खुश हो सकती है। उसके रूम को जंगल ना बनाने के लिए रूबी ज्यादा ना रोने की कोशिश कर रही है। ये आलसी लड़की अर्थ है, बिल्कुल एक प्लांट की तरह। जेनी को सोना और धूप में घूमना पसंद है, लेकिन वो डिलन के आने के बाद सूरज को इतना नहीं देख पा रही है। वो विंड और क्लाउड्स को कंट्रोल करता है। उसके क्लाउड्स जेनी के पास सूरज की रोशनी जाने से रोकते हैं। उसे इस बात की बिल्कुल खुशी नहीं है। निक ने रूबी को सब बताने का और उसे खुश करके गिफ्ट देने का सोचा है, लेकिन जो भी पैसे इसने कमाए थे वो जलकर राख बन गए। लेकिन निक बहुत क्रिएटिव है और उसके फायर पावर्स बहुत काम के हैं। वो कुछ पैसे के लिए जेनी को बुद्धू बना सकता है। उसे बुद्धू बनाना आसान है, चाहे अर्थ इसके खिलाफ क्यों ना हो। अर्थ एलिमेंट्स के पास हमेशा पैसे होते हैं क्योंकि उसके लिए पैसे पेड़ पर उगते हैं। ये एक गिफ्ट है और निक इसे अपने लिए लेना चाहता है, लेकिन उसे गार्डन के बारे में बिल्कुल नहीं पता। पर
रूबी को लगा निक ने उसके लिए प्लांट को बचाया है। कुछ लोगों को सब कुछ मिलता है और कुछ को कुछ नहीं। निक को लगता है ये गलत है, इसलिए वो इस बात का अपने अमीर दोस्तों से बदला लेता है। लड़ाई करना रूल्स के खिलाफ है, तो उन्हें इसका फैसला वीडियो गेम खेल कर करना होगा। वीडियो गेम की फाइट हमेशा अच्छी होती है, क्योंकि उसमें असली चीजों का नुकसान नहीं होता है। ये सब आपकी उंगलियों पर निर्भर है। जेनी अलग अलग सीजन में रहती है और लाइक्स के हिसाब से उसे समर्स में बदलना है। चलो इन पुराने पत्तों को काटते हैं और जेनी को सुंदर बनाते हैं। लेकिन बीज के बारे में मत भूलना, ये जल्दी उग जाते हैं। डिलन ने जेनी को डेट के लिए पूछा और उसने हाँ बोल दिया। अब उसे अपनी स्किल्स पर मेहनत करके उसे खुश करना होगा। जब आप एयर को कंट्रोल कर सकते हो, डार्ट्स में जीतना आसान है। आमतौर पर डिलन को लोकल कार्निवल्स में बैन कर दिया गया है, क्योंकि वो सारे गेम जीत जाता है और सब गुस्सा हो जाते हैं। पर वो कम से कम लड़कियों को खुश कर देता है। आपका फेवरेट टेंट कौन सा था, हमें कमेंट्स में बताएं। ट्रूम ट्रूम ट्रिक पर फिर मिलेंगे।